तो हे गाइस वेलकम बैक। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पोकेमोन जर्नी सीरीज का सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमोन कौन है तो तुम लोग बोलोगे लुकारियो एंड ड्रैगनाइट सबसे पावरफुल है। लेकिन क्या तुम्हें ये बात पता है कि लुकारियो पोकेमोन जो है आखिरी बैटल्स में जीत पे जीत जो है हासिल करता जा रहा है, वहीं ड्रैगनाइट पोकेमोन जो है वो हार पे हार का सामना कर रहा है। इसके पीछे क्या वजह है कि ड्रैगनाइट जो है सारे के सारे बैटल्स को हारता जा रहा है। वो इतना ज़्यादा वीक क्यों बन चुका है? पहले कितना ज़्यादा पावरफुल था, 100% विन परसेंटेज किसी भी पोकेमोन के पास नहीं थी, ओनली ऑन ड्रैगनाइट के पास थी। लेकिन अभी पोकेमोन जर्नीज का वन ऑफ द वीकेस्ट पोकेमोन की लिस्ट में जाता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो अब पता लगाते हैं ये पोकेमोन वाले क्या ड्रैगनाइट को सबसे वीकेस्ट पोकेमोन कर देंगे। जैसे कि टोटेरा पहले स्ट्रॉन्ग था फिर वीक हो गया, क्या ड्रैगनाइट भी आने वाला समय का टोटेरा बनेगा या फिर आने वाला समय का चाइजार बनेगा जो कि पावरफुल बनकर सबको हैरान कर देगा। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि ड्रैगनाइट इतना ज़्यादा वीक क्यों हो चुका है। सब्सक्राइब कर लेना, शुरू करते हैं। तो देखो एस के ड्रैगनाइट ने बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन को हराया हुआ है। पहले उसने कोइना के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन मेगा लुकारियो को हराया हुआ है। जानते हो ना मेगा पोकेमोन कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और उसने हराया हुआ है जो कि अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। लेकिन बाद में उसने हराया आयरिस के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन हेक्सोरस को, जिसको हराने के लिए सिंथिया भी स्ट्रगल कर रही है। उसको हराने के लिए सिंथिया भी मेगा कार्चूम का इस्तेमाल कर रही है। उसको अपने एस के ड्रैगनाइट ने आराम से बिना किसी स्ट्रगल के हरा दिया, जो कि शो करता है ड्रैगनाइट कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इसके बाद जो ड्रैगनाइट ने बड़ी बड़ी बैटल का सामना किया वो हार गया। यानी कि हारेगा, आई नो हारना चाहिए यार, किसी पोकेमोन को पावरफुल बनने के लिए उसको हार भी जरूरी होती है। लेकिन ड्रैगनाइट जो है हार रहा है किसी ट्रेनर के नॉन स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन से। फॉर एग्जांपल वो हारा रायन के फ्लाइगोन से। अगर यार अपना इसका ड्रैगनाइट जो है हारता रायन के ड्यूअल वुडन पोकेमोन से तो मुझे कोई भी स्ट्रगल नहीं होती, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज हाँ रायन का पावरफुल पोकेमोन है, अपना ड्रैगनाइट हार सकता है। लेकिन वो हारा है अपने फ्लाइगोन से, और इसको देखकर आयरिस के जो पक्के वाले फैन है खुश हो गए थे, बोल रहे थे भाई देखो तुम्हारा ड्रैगनाइट रायन के नॉन स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन फ्लाइगोन से हार गया। अरे आयरिस के फैन यहाँ पे आओ। अगर यार सोचो ड्रैगनाइट जो है रायन के फ्लाइगोन से हार गया, बट इसी ड्रैगनाइट ने तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन हेक्सोरस को हराया हुआ है, तो वीक कौन हुआ? ड्रैगनाइट वीक हुआ या फिर तुम्हारा हेक्सोरस वीक हुआ? बताओ ना मुझे। चलो मान गया यार ड्रैगनाइट को हराना ही था, लेकिन मुकाबला थोड़ा बड़ा करते, मतलब जाते ही एक दो हिट में अपना ड्रैगनाइट जो है हार गया। इसके पीछे की गेम लॉजिक मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले बात करते हैं एनिमोलॉजी के बारे में, मतलब समझ रहे हो पावर डायनेमिक डिटेल लेने करना क्या चाहती हो, पावर डायनेमिक को समझा करो। पोकेमोन जर्नीज मतलब पोकेमोन जर्नीज वाले पावर डायनेमिक को नहीं समझते बता रहा हूँ मैं। एलान वाले मुकाबले में भी एलान को काफ़ी वीक दिखाया गया। हाँ मानता हूँ पावरफुल लियोन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये बात तो मानते हो ना एलान जो है रायन से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन वही रायन जो कि एलान से वीक है और उसने लियोन से मुकाबला किया, वो मुकाबला इक्वली पावरफुल था, लेकिन एलान और लियोन वाला मुकाबला वन साइडेड था लियोन की तरफ। तो पावर डायनेमिक को समझना काफ़ी बड़ी बात है पोकेमोन वाले। और सबसे बड़ी बात है यार एलान ने लेजेंडरी पोकेमोन रेगवाजा ग्राउडोन कायोग्रे जाइग्रेड पोकेमोन इनसे मुकाबला किया हुआ है। तो यहाँ पर भी पावर डायनेमिक का खेल पोकेमोन वाले नहीं समझे। हम यार एलान के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बात कर रहे हैं ड्रैगनाइट के बारे में। और यार ड्रैगनाइट रायन से हार गया, आई डोंट नो क्या किया, बट हाँ एक मुकाबला हार गया। एक मुकाबला तो कोई भी हारता है, लेकिन उसका अगला मुकाबला गार्चूम वाले मुकाबले में पोल के गार्चूम से हार गया। मैं क्या ही बोलूँ, हाँ मैं इस बात को भी एग्री करता हूँ कि पोल जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर है, उसको हराने के लिए इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन ड्रैगनाइट ही क्यों, इसकी पीछे की वजह है पोकेमोन वालों का दोगलापन। यस सही पहचाना, बिकॉज यार उनको पावरफुल बताना है गेंगार को और लुकारियो को, लेकिन ये थोड़ी कहीं लिखा हुआ है कि यार इन दोनों पोकेमोन को पावरफुल बताने के लिए ड्रैगनाइट को वीक दिखाओगे। रही बात एस वजह रायन वाले बैटल में भी ड्रैगनाइट हारा, एस वजह पोल के रीमेज में भी ड्रैगनाइट हारा। और इंटरेस्टिंग बात यह है एस की यार दोनों समय पोकेमोन टीम जो थी सेम टू सेम थी, यानी कि ड्रैगनाइट गेंगार एंड लुकारियो, और दोनों में मुकाबले में सेम टू सेम बात हुई। ड्रैगनाइट को हरा दिया और बाकी के दोनों पोकेमोन को साइन करने का मौका दे दिया। तो यार ये कहाँ का सेंस बनता है, तुम इन दोनों पोकेमोन को पावरफुल बताने के लिए अपने ड्रैगनाइट को वीक कर रहे हो? ये तो बुरी बात है ना यार। ड्रैगनाइट को यार अगर हराना ही है ना तो ऐसा मैच हराओ कि हाँ भाई पता चले हाँ हार गया, सामने वाले बंदे में दम था, लेकिन यार सामने वाले बंदे के नॉन स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन से हार
रहा है वो यार नॉट कूल, वो बिल्कुल भी कूल नहीं है। तुमको लग रहा होगा ये ड्रैगनाइट हार गया, बदला ना घंटा बदला, यहाँ पर ड्रैगनाइट की इमेज को डाउन किया जा रहा है। बट कोई नहीं, दो मुकाबले हारे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में अपना ड्रैगनाइट जो है टोटेरा बन जाएगा। यस, टोटेरा को जानती हो ना, पहले जो फर्स्ट फॉर्म में था कितना ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन जैसे ही टोटेरा आया उसकी इमेज को डाउन किया जा रहा था। और मुझे सेम टू सेम ये चीज़ जो है ड्रैगनाइट के ऊपर लग रही है कि यार ड्रैगनाइट के साथ ही ऐसा ना कर दे। बट आई होप कि पोकेमोन जर्नीस के जो टूर्नामेंट चल रहे हैं वहाँ पे अब ड्रैगनाइट एक भी मैच को ना हारे। अब ड्रैगनाइट का डाउनफॉल का समय गया, अब हमको चाहिए ड्रैगनाइट का जो है ना फुल ऑफ फुल एक्शन। ड्रैगनाइट के पास कोई भले फिनोमिना नहीं है, लेकिन ये पोकेमोन पावरफुल है, ये कहीं का भी सेंस नहीं है कि यार फिनोमिना वाले पोकेमोन को पावरफुल बताने के लिए तुम ड्रैगनाइट को वीक दिखाओ। अपना चार्जर भी तो पावरफुल है, उसके पास कोई फिनोमिना है, लेकिन उसको तो इतना वीक कभी नहीं दिखाया। बट ड्रैगनाइट ही क्यों, आई डोंट नो, पोकेमोन वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, पावर डायनेमिक को समझना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे गेम लॉजिक भी हो सकता है कि यार पोकेमोन जर्नी वाले गेम लॉजिक को कुछ ज़्यादा ही फॉलो कर रहे हैं, इतना भी फॉलो नहीं करना था, हम पोकेमोन एनिमे सीरीज देख रहे हैं, गेम नहीं खेल रहे हैं। यानी क्या, यहाँ पे जो ड्रैगनाइट हारा है ना दोनों बंदों से, वो थे ड्रैगन टाइप पोकेमोन। पहले वो हारा फ्लाइगोन से, जो कि ड्रैगन टाइप का है, और तुम्हें पता है ड्रैगन आमने सामने सुपर इफेक्टिव होते हैं। और यार जब कभी भी ड्रैगन पोकेमोन आमने सामने आते हैं, जो पोकेमोन पहले अटैक कर देता है वो जीत जाता है, बिकॉज सुपर इफेक्टिव मूव होगा, दोनों का जो भी पहले हिट करेगा वो जीतेगा, कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर फ्लाइगोन जो है उसने अटैक कर दिया, अपना ड्रैगनाइट हार गया। और सेम टू सेम चीज़ अपने पोल के साथ भी हुई, पोल के गार्चुम ने बाजी मार ली और ड्रैगनाइट को हरा दिया। और ड्रैगनाइट को भी पावरफुल बनने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है अब पोकेमोन वाले इस गलती को नहीं दोहराएंगे। अब यार ड्रैगनाइट वीक पड़ चुका है, लेकिन अब वो पावरफुल बनना चाहिए। मैं ये बोलना चाहूँगा, होप करो कि ये जायंट ड्रैगन मीटियोर जो अटैक है ना, वो यार सिंथिया का गार्चुम का नहीं बल्कि एज के ड्रैगनाइट का हो, बिकॉज एज जाना जाता है जायंट पोकेमोन के अटैक के लिए। लुकारियो की तरह अगर ड्रैगनाइट भी जायंट ड्रैगन मीटियोर को सीख जाएगा तो अच्छा होगा। तो हमने स्पेशल प्रीव्यू में जायंट ड्रैगन मीटियोर को देखा भी था, तो हाँ कहीं ना कहीं अपना ड्रैगनाइट जो है पावरफुल बनता जा रहा है। बस ये प्रॉब्लम है, मैं ये एड्रेस करने आया हूँ कि ड्रैगनाइट को और वीक मत दिखाओ पोकेमोन वालों प्लीज़, क्योंकि ड्रैगनाइट जो है एक सोडो लेजेंडरी पोकेमोन है। और अब तक हमने जिन जिन के पास भी ड्रैगनाइट को देखा है वो सुपर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। और या अगर तुम ड्रैगनाइट को वीक कर दोगे तो ड्रैगनाइट की इमेज जो है बिल्कुल डाउन चली जाएगी, समझ रहे हो ना। ड्रेक का ड्रैगनाइट को याद करो, कितना पावरफुल था, लेंस के पास भी ड्रैगनाइट है, वो ब्यांथा से अच्छा मुकाबला करेगा, लेकिन ब्यांथा उसको हरा देगी टाइप एडवांटेज के कारण। लेकिन ये इसका ड्रैगनाइट है, इसका ड्रैगनाइट कितना पावरफुल था, हमको पहले वाला ड्रैगनाइट चाहिए जो कि यार मेगा लुक खा रही हो और आईडीस के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को हरा सकता है, तो समझ रहे हो ना। बिल्कुल मास एट में जो है ड्रैगनाइट अकेले पूरी टीम को फिनिश कर सकता है। जिस बंदे ने आईडीस हेक्सोरस को हरा दिया, समझ सकते हो ना वो ड्रैगनाइट कितना पावरफुल है। और इनडायरेक्टली पावर डायनेमिक को देखें तो देखो हेक्सोरस पोकेमोन से ज़्यादा पावरफुल है एज का ड्रैगनाइट, और हेक्सोरस टक्कर दे रहा है गार्चुम सिंथिया के मेगा वाले। तो नॉर्मल फॉर्म में अगर बैटल होगा सिंथिया गार्चुम का एज का ड्रैगनाइट का, तो कौन जीतेगा बताओ, एज का ड्रैगनाइट जीतेगा ना। तो कितना ज़्यादा पावरफुल है एज का ड्रैगनाइट। सो हाँ, एज का ड्रैगनाइट को पावरफुल बनाओ, इतना पावरफुल बनाओ कि मज़ा आ जाए। तो तुम्हें क्या लगता है ड्रैगनाइट को वीक क्यों कर रहे हैं, और क्या ये आने वाले समय का टोटेरा बनेगा या फिर चाइजार्ड बनेगा, ये भी बताओ। पोकेमोन क्विज़ का आंसर दो एंड बाय बाय।